top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. यहाँ पर एक सेंटर फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की है, जैसा कि आप जानते हैं कि नोएडा आईटी हब के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स रहते हैं। जैसा कि प्रकृति का नियम है कि जहाँ भी नोएडा में और शहरों से ज़्यादा हैं, और ये जो इंटरनेट के दुरुपयोग से जो क्राइम होता है उसे साइबर अपराध जो कहते हैं, ये नए तरीका क्राइम है। उसके लिए अभी पुलिस में उस तरह की दक्षता नहीं है कि उसकी साक्ष्य को संकलित किया जाए, तो उस दक्षता को पैदा करने के लिए ट्रेनिंग कराना और अगर कोई कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम आया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और इस सेंटर की स्थापना की गई है। कल आदरणीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा 11 बजे किया जाएगा। राशि दी गई है। उसके अलावा इसमें जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स लगे हैं जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, वो यहाँ के उद्यमियों ने और यहाँ के लोगों ने दिया है और ये प्रोजेक्ट PPP मॉडल पे कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा जन सहयोग से तैयार हुआ है। सेलब्राइट का यूफेड, फैल्कन लॉजिक क्यूब, एक्सिस डाटा का फॉरेंसिक टूल किट, उसके अलावा ओपन सोर्स के लगभग सारे जो फॉरेंसिक टूल हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। और प्रथम नोएडा के इंस्पेक्टर एंड एवब के अधिकारी जो विवेचना करते हैं उनको प्रशिक्षण देगा। उसके अलावा जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको डिजिटल एविडेंस को किस तरह कोर्ट में प्रोड्यूस करें उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी इसमें प्रोविजन किया गया है। और अगर आवश्यकता होगी तो जो और सर्विसेज के लोग हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनको भी हम ट्रेन करेंगे। पूरे प्रदेश में 2 साइबर लैब DGP महोदय द्वारा खोली गई थी, वो थी आगरा और लखनऊ। उसके बाद हर जनपद में एक छोटी सी साइबर क्राइम सेल यूनिट खोली गई है, जो लेकिन इतने बड़े स्तर पर फॉरेंसिक टूलों के साथ कोई सेंटर अभी तक प्रदेश में नहीं था। ये पुलिस का पहला प्रयास है और इसके अनुभवों से हमें उम्मीद है कि अन्य जनपदों में भी इस तरह के नए सेंटर्स आगे खोले जाएंगे। यूफेड का और FTK का और फैल्कन का दो लोग मदद कर दो उसकी। ये आदमी चले जाओ बेटा, एक आदमी बुला दो ना, निकल नहीं पाओगे तेरे से। हाथ छोटा पड़ रहा है फिलहाल के लिए, बैठिए जो काम से शुरू करना है वो अपना अपना काम करते हैं। मौन तो होने के लिए बैठ के अपना काम करो। ये बैकअप ले जा रहा पूरा मोबाइल का, इसमें पूरा डेटा इसमें चल सारे।
दिल्ली से आगे घूमने के लिए वही से कुछ झगड़ा एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद ड्राइवर गेट से